बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मोमा इस्माइल पिजन्स में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आप दोस्तों के साथ कबूतर का बेबी पिजन्स का ग्रोथ शेयर किया है, जिसमें कबूतर का बेबी पिजन ग्रोथ काफ़ी हद तक कमज़ोर रहा है। क्यों रहा है, किस वजह से रहा है, पूरा इस वीडियो में आप एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा वॉइस ओवर आगे बेबी पिजन ग्रोथ देख लेना, क्योंकि कबूतर का जब बच्चा निकलता है वो काफ़ी हद तक पहले तो फिट एक्टिव रहता है, उसके बाद वो कमज़ोरी और क्यों चला जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। मैं कुछ वॉइस ओवर करके आपको समझा रहा हूँ। अभी 3 दिन के बेबी पिजन हो चुके हैं माशाल्लाह से, अभी 10 दिन तक इनका ग्रोथ माशाल्लाह से काफ़ी फास्ट होगा। 10 दिन के बाद इनका ग्रोथ आस्ते आस्ते कमज़ोर ग्रोथ चले जाएंगे, क्योंकि कबूतर का दौरा जो मेरे ब्लेड फीमेल थी वाइट जिसका मेल था तेज़ ब्लेड वाले थे, 10 दिन के बाद दोबारा से मिटिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे वो 15 दिन के बाद जो मेल उनको दाना अच्छे से नहीं खिला रहा था, सिर्फ फीमेल खिला रही, मेल उस फीमेल को भगा रहा था, इस वजह से इनका ग्रोथ में जो पोते में दाना गया वो चौथा ऐसा गया। पहले तो काफ़ी माशाल्लाह से इनका पोटा भरा हुआ, अभी भी नज़र आ रहा है वो कितना भरा हुआ है। उसके बाद 10 दिन के बाद इनका पोते में चौथा ऐसा दाना जा रहा था, तो इनका ग्रोथ काफ़ी हद तक कमज़ोर निकले। जिनका भी कबूतर का जो बच्चा होता है वो 10 दिन के बाद माशाल्लाह से काफ़ी हद तक कमज़ोर होता जाता है। क्यों होना जाता है, क्योंकि तेज़ ब्लड जोड़े होते हैं, वो दोबारा से मीटिंग करके जोड़ा लग जाता है, मीटिंग करते हैं दोबारा से अंडों की तैयारी करते हैं, इस वजह से उनको प्रॉपर दाना नहीं दे सकते। अभी 9 दिन के हो चुके हैं, 9 दिन में आप देखें इनका पोटा थोड़ा सा वो खाली नज़र, चौथा हिस्सा इसके पोटे में दाना है। अभी जैसे 10 दिन होते हैं, मैं आपको बस समझाता हूँ, अब 10 दिन के हो चुके हैं, अभी उनका पोटा देखें। पहले आपने देखा कभी कभार आपको उनका पोटा भरा नज़र आएगा, जब दोनों को ज़बरदस्ती हम फीड वगैरह करवाते हैं उसके बाद इनका पोटा भरा नज़र आएगा। अभी माशाल्लाह 11 दिन हो चुके हैं माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं इनका पोटा बिल्कुल खाली है दोनों का, इस वजह से इनका ग्रोथ जो बेबी कबूतर का बच्चा है वो कमज़ोर क्यों पड़ जाता है, तो यही रीज़न है। अभी आप देखें दोनों ने इनको दाना उधर दिया चौथा ऐसा दाना, जैसे बड़े होते हैं उनको फीड भी प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो आगे आप वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कबूतर है ग्रोथ, अगर ग्रोथ अच्छा है तो 22 से 25 दिन में वो ग्रोथ उनका कंप्लीट हो जाता है, अगर उन ग्रोथ अच्छा नहीं है तो इसको भाई 40 से 45 दिन लगे हैं इनको ग्रोथ कंप्लीट होने में। तो मैंने वीडियो आगे शूट नहीं की, 31 डेज शायद मैंने शूट किया, तो आगे वीडियो देखो।